कभी कभी जोश में लोग खुद की सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और बिना सोचे समझे नदी में विदाउट लाइफ जैकेट छलांग लगा देते हैं और परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा यादव और आप देख रहे हैं चेतना मंच का खास सेगमेंट हिचक, जहाँ हिचकिचाना बिल्कुल मना है, जहाँ हम बात करते हैं उन तमाम टॉपिक्स पर जिन पर आप किसी से एक सवाल करने में भी हिचकिचाते हैं। लेकिन यहाँ उन सारे मुद्दों पर मैं आपसे खुलेआम बात करूँगी और कोशिश करूँगी आपके हिचक को दूर करने की। अब सेक्स कह लो या फिर सेक्सुअल डिज़ायर या फिर आम हिंदी भाषा में अंतर्वासना, अब कुछ लोग ऐसे अनजान बनेंगे जैसे ये शब्द उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं और इस मुद्दे से कतराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आपको बतलाते चलते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या है और बिना जानकारी के इसे करने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो सेक्स करने की इच्छा को अंतर्वासना या फिर सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं। अंतर्वासना को संभोग करने की इच्छा भी कहा जा सकता है, क्योंकि संभोग को ही अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। इससे बच्चे परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे देश में सेक्स के बारे में खुलकर बात नहीं होती है और जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर नवयुवकों से अनजाने में कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि सेक्स के दौरान कॉन्ट्रासेप्शन या फिर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी मालूम होने के बावजूद भी कॉन्ट्रासेप्शन लेना ज़रूरी नहीं समझते। अब सवाल आता है कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है? देन कॉन्ट्रासेप्शन इज जस्ट अ प्रोटेक्शन मेथड ड्यूरिंग सेक्स, जिसमें मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, कप्स, कॉम्बाइंड पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन के अलावा और भी बहुत से मेथड्स हैं, जिसे गर्भ निरोध और प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। बर्थ कंट्रोल या गर्भधारण को रोकने के लिए ये कुछ तरीके या उपकरण होते हैं और साथ ही कई तरह के नुकसान से बचाने के लिए। अब वो कौन से नुकसान हैं जो बिना प्रोटेक्शन वाले सेक्स के दौरान हो सकते हैं, ज़रा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ऐसे में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इन्फेक्शन होने का। जी हाँ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्डोम इसलिए लाए गए क्योंकि इससे इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है, लेकिन अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इन्फेक्शन HIV और STI होते हैं, जो कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने से हो सकते हैं, इसलिए आपको बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना नहीं चाहिए। यह बात भी सच है कि यह तभी काम करता है जब आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप एक्सपायर्ड कॉन्डोम इस्तेमाल करते हैं तो यह काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। दूसरा है अनचाहे गर्भ का खतरा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप बिना कॉन्डोम या फिर बिना वेजाइनल कप के इस्तेमाल के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको अनचाही प्रेगनेंसी के साथ गुजरना पड़ सकता है। अगर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनचाही प्रेगनेंसी से बचाव कर सकते हैं। वही तीसरा है STI या STD से बचाव। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यौन रोगों से बचाव करने के लिए आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करते हैं और कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको बता दें कि इससे STI का खतरा बढ़ जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स की बजाय अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं चौथा है कॉन्डोम के कुछ फ़ायदे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हुए कॉन्डोम का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप कई तरह के नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना कॉन्डोम के सेक्स करते हैं तो इससे खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर तब जब आप किसी के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। उम्मीद है आपको हमारे हिचक का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही मुद्दों से रूबरू कराएंगे जिस पे आप खुलकर बात नहीं करना चाहते, जिसमें हम आपको जानकारी देने के साथ साथ आपको कुछ सामाजिक और नेचुरल चीज़ों पर हेल्दी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। हिचक के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बेहिचक होकर। धन्यवाद।